Rani ka vow, built by the Solanki queen for her husband. It took 40 years to build. It had got submerged in a flood, and it took 10 years for the ASI to excavate it, and started in 1958. And they have done a lot of work on it. These steps have been built by them. The side casing walls have been strengthened and built by them. Many of the floors have collapsed. And we are with a guide who will tell us everything. The whole system here is interlocking. यहाँ देखिए मैडम, ये शिव है, पार्वती है, उनका बड़ा बेटा कार्तिक प्रणाम करा है, उनका विकल्प पिकॉक है। देखिए पैर के पास पिकॉक बताया गया है। वो विष्णु है, उनका वाइफ लक्ष्मी है, उनके हाथ में लोटस है, देखा, स्मॉल लोटस है। अब सामने देखिए, ये शिव है, पार्वती है, उनका विकल्प नंदी है, ये भी शिव पार्वती, उनका विकल्प नंदी है, देखा। मैंने आपको बोला स्टोन लॉकिंग, एक पत्थर में होल करके यूं दूसरा पत्थर घुसाया जाता है। नीचे आ लॉकिंग। अब यहाँ देखिए मैडम, ये वायुदेव उनके वाइफ के साथ है, उनका विकल्प डियर होता है। देखिए पैर के पास डियर वाइफ पवन देव, आज भी अपने घर में जो विंडो होता है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना सकता है, तो उनके वाइफ के साथ है, उनका विकल्प डियर है, आज भी अपने घर में विंडो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना सकता है। ये स्टैचू सब वेदर इफेक्ट हुआ का सारा लगा है। सामने भी देखिए बहुत सारे स्टैचू घिस गए, देखा, वेदरिंग इफेक्ट लगा है। और सामने देखिए वो अग्नि देवता है, अग्नि देवता को क्या होता है, दाढ़ी होता है, मूछ होता है, उनका विकल्प भेड़ होता है, शिव। देखिए पैर के पास स्मॉल शिव बताया गया है, आज भी वह अपने घर में अगर किचन बनाना है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में बना सकता है। सामने देखिए वो हनुमान जी है, पनौती दो टाइप का होता है शनि देवता का, ढाई और साढ़ा साथी बोलता है, तो हनुमान जी ने दोनों पनौती को अपने पैरों तले दबा दिया है। अगर आपका बैड लक चलता है खराब समय तो आप हनुमान जी को याद करता है, पूजा पाठ करता है, आपका बैड लक दूर होता है। वो हनुमान जी है, पनौती दो टाइप का होता है शनि देवता का, ढाई और साढ़ा साथी बोलता है, हनुमान जी ने दोनों पनौती को अपने पैरों तले दबा दिया, अगर आपका बैड लक चलता है तो हनुमान जी को याद करता है, जब पूजा पाठ करता है तो आपका बैड लक दूर होता है। सामने के वो शिव है, उनके हाथ में त्रिशूल है, नीचे बोल नंदी है, आज भी अपने घर में मेन एंट्री गेट ऑफिस और पूजा का आला ईशान में बना सकता है, ईशान बहुत ही शुभ दिशा है। सिर्फ तीन ही लेवल्स में हम लोग जा सकते हैं ना, और बाकी लेवल्स जो है ऊपर का एक टूट गया, एक दो और एक तीन, इसके आगे बंद है, तो ये जो है मिडिल लेवल, इसमें दिख रहा है अगर तो यहाँ पे विष्णु जी की सोते हुए तस्वीर है, लेकिन ये कुएं की दीवार पर है, लेकिन हम लोग वहाँ तक जा नहीं सकते। अप्सराएं बताई गई है सामने के, एक दो तीन चार अप्सराएं, वो कोने में दो विष्णु है, गदासंघ चक्र पद में है, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड नंबर की अप्सरा देखिए क्या कर रही है, आईने में देखिए काजल लगा रही, देखा, तो उस जमाने में मेकअप स्टाइल था। उसके बाद अप्सरा है, उसके बाद अंदर की साइड बड़ी चाचू पार्वती, उनके हाथ में कमंडल है, उसके बाद देखिए मातृरूप में बताया उसकी गोदी में बच्चा है, उसके बाद अंदर की साइड बड़ी चाचू चामुंडेश्वरी, उनके हाथ में त्रिशूल है, लास्ट में वो अप्सरा आई नहीं देख रही है, बीच में लक्ष्मी, उनके आसपास अप्सरा है, तो जो स्मॉल चाचू ज़्यादातर लक्ष्मी जी के, उनके हाथ में कमल है, ये स्क्वायर में जियोमेट्रिकल आकार है, उसमें स्क्वायर में भौमितिक आकार है उस तरफ भी। तो आप पाटन का पटोला साड़ी देखेगा तो ऐसा आपको डिजाइन मिलेगा। ये देखिए, ये वो हाथी के ऊपर वो शेर जैसा फेस दिखता है ना, उसे कीर्ति मुख बोलते हैं, बाद में के हाथी पे सवारी है, एक दो तीन चार लक्ष्मी जी, उनके हाथ में कमल है, नीचे हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है, इंसान को मार रहा है, तो उस जमाने में पनिशमेंट हाथी के पैर के नीचे कुचल के दिया जाता था, तो पनिशमेंट बताया गया है। वो कोने में दो विष्णु है, गदा संघ चक्र पद्म है। अच्छा, यहाँ कितनी अप्सराएं बताई आपने? 299 अप्सरा। और विष्णु जी की कितनी मूर्तियां हैं? उसमें विष्णु के दशा अवतार है, 24 स्वरूप है, वो सब बताया गया। अब सामने देखिए, वो नीचे दोनों इंद्र है, उनके हाथ में वज्र है, नीचे ऐरावत हाथी हम बोलते हैं, पूर्वा इंद्र, दोनों इंद्र बताया गया है, वो स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल आकार है, वो कीर्ति मुख है, एक दो तीन लक्ष्मी जी हाथी पर घोड़े पर हाथी पर नीचे हाथी पे सवारी है। सामने की एक दो तीन चार अप्सराएं, देखा सामने, ये हाँ, एक दो तीन चार अप्सराएं, वो कोने में शिव है, उनके हाथ में त्रिशूल नाग कमंडल है, ये सब अप्सराएं को आईने देख के बांसुरी बजाइए,
इसमें पार्वती उनके हाथ में कमंडल, उनके आसपास अथुरा है, स्मॉल स्मॉल स्टैचू है बैठी हुई, ज्यादातर लक्ष्मी जी की है। अब सामने देखिए वो शिव है आपके सामने, देखा हाथ में त्रिशूल नाग कमंडल है और सामने भी शिव है सेम उस तरफ। ये विष्णु जी का राम अवतार है, धनुष से बांध तलवार और ढाल बताया गया है। हाँ। रामा अवतार है विष्णु का। ये अंगड़ाई लेती हुई अप्सरा, देखिए जुए कितने फाइन बताई गई है। ये विष्णु का वामन अवतार है, वामन यानी बटुक, हाथ में छाता यक्ष माला, बलि को तीसरे पैर में पाताल में भेजता है वो। और अराउंड देखिए स्मॉल स्मॉल दशा अवतार भी बताए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये विश्वकन्या है, उसके पैरों में सांप बताया गया है। यहाँ तीन अवतार निकल गया है, मत्स्य कूर्म और नरसिंह, तीन अवतार निकल गया है। अब यहाँ देखिए वे बैठी हुई है स्त्री के रूप में। अगर आपका मूड नहीं है ना, अच्छा संगीत सुनता है तो आपका मूड चेंज होता है, क्योंकि संगीत में इतना असर है और बांसुरी बजाने में इतनी मग्न है कि उसका अंगूठा और पैर ऊंचा हो गया है, तन्मय हो गई है। बाबे के उस तरफ कोने में सन गॉड है, उनके हाथ में दो कमल का फूल है, वो साधु महात्मा योगी योग कर रहा है, बीच में विष्णु है, गदा संघ चक्र पद्म है। ये अप्सरा इयरिंग बता रही है, ये अप्सरा आईने देख के इयरिंग कर रही है। ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा है, लायन भैंसे को मार रहा है, माता जी ने राक्षस को त्रिशूल मारा, उसकी चोटी पकड़ा है। ये अप्सरा इतनी ब्यूटीफुल बताई कि मंकी दीवाना होके कपड़ा खींच रहा है, हम बोलते हैं मन मरकट होता है। बाद में क्या विष्णु जी का कल्कि अवतार है कि भगवान विष्णु ऐसा दसवां कल्कि अवतार धारण करेगा, घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को मार रहा है, पैरों में हॉल बूट गम बूट बताया गया है, हाथ में तलवार है, दास ने छाता पकड़ा, दास ने उनके कटोरे में अमृत डाल लिया, ऐसा कल्कि अवतार होगा। ये लिपस्टिक लगाती हुई लेडीज है, पैरों में मेहंदी लगा रहा है, तो उस जमाने में भी नेचुरली लिपस्टिक था। बाद में देखिए भगवान बुद्ध बताए गए हैं, हाथ में कमल है, अक्षमाला है, वल्कल है। तो सुदोधन का पुत्र सिद्धार्थ था, जिसको संसार में विरक्ति हुआ, फिर संसार छोड़ के बुद्धगया में जाके तपस्या किया और गौतम बुद्ध से पहचाने गए। बाद में कि अंगड़ाई लेती हुई अप्सरा है, देखिए ज्वेलरी कितनी फाइन है। साधु महात्मा कामना का निषेध कर रहे हैं कि साधु का जीवन लोगों का भला करने के लिए होता है, कामना के लिए नहीं। ये परशुराम है, धनुष से बाण परशु और फल बताया गया, भगवान परशुराम। ये भैरवी है, उसके हाथ में स्कल खोपड़ी बताया गया, पैरों में चप्पल है, तो उस जमाने में चप्पल था। देखिए बलराम है, उनके मस्तिष्क के पीछे शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, बीज बुरक है, नीचे छोटा बलराम उनके हाथ में हल है, छोटा कृष्णा उनके हाथ में बटर है। अराउंड मैंने बोला स्मॉल स्मॉल स्टैचू दशा अवतार है। ये शिखर की डिजाइन है, वो नागर शैली में है। ये कीर्तिमुख है, ये यहाँ गणेश जी का नृत्य द्वारा स्तुति किया जा रहा है, हाथ में कमल है, वो लक्ष्मी जी। भूकंप आया था ना, अर्थक्वेक, यहाँ क्रैक हुआ था, तो ये शनि ग्लास लगाया, अगर ज़्यादा दबाव आता है ना तो ग्लास टूट के गिर जाता है, तो खतरा बढ़ सकता है, तो इंडिकेटर लगाया, ये साइन है जानकारी के लिए। ये लोटस का डिज़ाइन है, ये कीचक है, महाभारत में भीम कीचक वध करता है ना, ऊपर का वेट उसके पीठ पे होता है। ये कलश का डिज़ाइन है, पोर्ट बोलता है, सभी पिलरों में कलश बताया गया है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए वो पंच तंत्र में स्टोरी आता है ना, क्रोकोडाइल मंकी, तो मगर पे बंदर बैठा हुआ है, देखा। अब सामने देखिए वो फर्स्ट पिलर है कलश के नीचे, देखिए वो बच्चा शेर के साथ खेलता बताया, देखा। तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था, जो शेर के साथ खेलता बताया, जिसे अपने देश का नाम पड़ा है भारत। अब वो देखिए पाताल लोक में सोता है विष्णु है, देखा स्क्वायर के अंदर। अब मैंने बोला था ना आपको, ऊपर से दिखा है वो कुआ है, ये लंबचौरस कुंड है, कुंड है वो स्टेप वाला है। पहले कुएं में क्या था, स्प्रिंग वाटर था, वाटर लेवल अप था, तो स्प्रिंग वाटर ओवरफ्लो के नीचे से आगे कुंड में आता था, बारिश का पानी कुएं कुंड दोनों में जमा होता था। अब जिसको पानी पीना है, बनना है, विष्णु को जल चढ़ा के प्रे करना है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्टेप उतर के कुंड में जाएगा, कुंड में जाके जिसको प्यास लगी हो दोनों हाथ से पानी पी सकता है। लेडीजे मटका भर के सिर पे रख के ले जा सकती है और विष्णु भक्त विष्णु को जल चढ़ा के प्रे कर सकते हैं, उनको अंदर रस्सी या बर्तन की जरूरत रहेगा नहीं। अब यहाँ देखिए अराउंड ये जो लेडीज है ये सब अप्सरा है, देखा मैडम। अब सामने के वो स्मॉल स्मॉल स्टैचू ना, ज़्यादातर लक्ष्मी जी की है, उनके हाथ में कमल है, ऊपर की आधी लाइन में विष्णु है, ऊपर की आधी लाइन में विष्णु है, सामने भी स्मॉल स्मॉल स्टैचू लक्ष्मी जी की, ऊपर की आधी लाइन में विष्णु है, उसके ऊपर की आधी लाइन में विष्णु है, और सबसे ऊपर देखिए विष्णु उनके पति लक्ष्मी के साथ, वो भी विष्णु है। उस तरफ कोने में देखिए सामने, वो भी दोनों विष्णु है, गदा संघ चक्र पद्म है। ये विष्णु के 24 फॉर्म्स है, 24 स्वरूप। अब सामने के तीन बड़ा स्टैचू दिख रहा है, दाढ़ी वाले,
वो दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी उनकी वाइफ ब्रह्मानी के साथ, सेकंड स्टैचू शिव उनके पत्नी पार्वती के साथ पैर नीचे नंदी है, तीसरा स्टैचू विष्णु उनके पत्नी लक्ष्मी के साथ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर गॉड भगवान। सामने देखिए तीन बड़ा स्टैचू दिख रहा है, शून्य टूटा हुआ है। गणेश उनका दो वाइफ होता है रिद्धि सिद्धि दोनों से एक के संग है, बीच में महालक्ष्मी और तीसरे कुबेर उनके वाइफ के साथ, उनका विकल हाथी होता है पैर के नीचे आती है, आज भी अपने घर में धन का तिजोरी होता है उसका फेस नॉर्थ में रखते हैं, और कुबेर का पहचान क्या होता है उसका पेट थोड़ा बड़ा होता है। अब देखिए सेवन स्टोरी सात मंजिला कैसे बनता है, ऊपर का फर्स्ट फ्लोर टूट गया है देखा, एक दो तीन चार पाँच, इसके नीचे के छः, ऊपर का एक टूट गया सात हो गए। अब देखिए फर्स्ट फ्लोर ओपन दिख रहा है आपको, वो सामने वाला हम जो खड़े ना ये फ्लोर भी ओपन है देखिए, ये तो सामने देखिए एक दो तीन चार फ्लोर ओपन नहीं है, वास्तु में वो ओपन ही थे लेकिन आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि स्ट्रक्चर झुका है तो गिरेगा, तो ये सही ने 1986 में क्या किया, ऐसे जो ओल्ड पिलर है ना ऐसे अंदर के उसको दूसरे पत्थर ला के न्यू ज्वाइंट किए, सपोर्ट दिया 1986 में, और सपोर्ट दिया 1986 में, तो ये रूम जैसा लग रहा है तो नए पत्थर लगा के सपोर्ट दिया।